हाय फ्रेंड्स, मैं हूं केशव कुमार साहू और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नई कार लेने का सोच रहे हैं या आपके पास कार है लेकिन उसमें एसेसरीज़ नहीं लगा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी एसेसरीज़ लगवाएं तो शोरूम से लगवाएं, क्योंकि आफ्टर मार्केट अगर आप लगवाते हैं एसेसरीज़ तो सस्ता तो पड़ता है। मैं मानता हूँ इस बात को, आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन बाई चांस अगर आपके एसेसरीज़ में प्रॉब्लम आता है, अगर वो अच्छे से नहीं चिपका है, अगर वो निकल जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि आफ्टर मार्केट वाले इसका रिस्क नहीं लेते हैं, इसका जवाबदारी नहीं लेंगे वो। अगर आप वही चीज़ शोरूम से लगवाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो रिप्लेस भी करते हैं और छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर एसेसरीज़ लगवाने का सोच रहे हैं तो शोरूम से लगवाइए। आप पैसे के पीछे ना भागें कि हाँ हमको वहाँ सस्ता मिलेगा और यहाँ महंगा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, एसेसरीज आप जब भी लगवाएं तो शोरूम से लगवाएं, भले आपको कॉस्टली पड़ेगा लेकिन आपका जो सामान है वो सही रहेगा। और ख़ासकर अगर आप क्रोम लगवाते हैं, क्रोम फिनिशिंग कहीं भी लगवाते हैं, तो आप शोरूम से ही लगवाइए, क्योंकि आफ्टर मार्केट वाला मैं देखा हूँ ज़्यादातर उसका जो कलर है वो फेड हो जाता है। तो आप कोशिश करिए शोरूम से लगवाइए। और तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है जिसके पास टाटा टियागो है और दूसरा है जिनके पास मारुति का बलेनो है। तो फ्रेंड्स, जो बलेनो वाले जो दोस्त हैं उनके साथ ऐसा ही हुआ था कि उनके जो गाड़ी के एसेसरीज जो है, साइड बीडिंग जो आपका गेट में जो लगा रहता है साइड बीडिंग, वो निकल गया था। तो वो आफ्टर मार्केट था, जब वो बात किए वो शॉप वाले से तो बोले कि ये जवाबदारी हमारी नहीं होती, हम लगा के दे देते हैं, बाकी जो होता है वो आप देखिए। सेम हुआ मेरे दोस्त के साथ जिसके पास टाटा टियागो है, तो उसके साथ ये हुआ था, लेकिन वो लगवाया था शोरूम से। तो उसके साथ ये हुआ, जब वो कॉल करके बोला तो शोरूम से आके, मैं आपको बता दूँ शोरूम से आके वो नया उसको फिर से रिप्लेस किए थे। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी अगर लगवाते हैं एसेसरीज़ तो प्लीज़ आप पैसे के पीछे मत भागिए। आप एसेसरीज़ लगवाते हैं तो शोरूम से ही लगवाइए, ताकि बाई चांस ऐसा प्रॉब्लम बहुत कम होता है, अगर बाई चांस होता भी है तो आपका जो रिप्लेस हो सकता है, आपका जो पैसा है जो वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।